मैं हूं इंद्र मनीष सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं विक्रमास एडुटेक पे। फ्रेंड्स, आज आप अभी जो आपको थंबनेल में जो चीजें दिखी होंगी या फिर अभी आप जो स्लाइड पे देख रहे होंगे, अपने स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे, वो है एक वर्ड, जिस वर्ड से आप काफी ज्यादा आपकी जान पहचान हो चुकी है। ये जान पहचान कैसी हुई, मैं आपको एक क्लू देता हूँ। ये जान पहचान हुई है आपकी एक वेब सीरीज से जिसका नाम था स्कैम। स्कैम वेब सीरीज बनाई गई थी हंसल मेहता के द्वारा 2020 में और उस वेब सीरीज का नाम था स्कैम 1992। और आज वही हंसल मेहता अगले महीने एक और वेब सीरीज लेकर आ रहा है, इसका नाम है स्कैम 2003। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की। जिस प्रकार पिछले स्कैम में कहानी थी हर्षद मेहता की, उसी प्रकार से इस बार कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की। जिस तरीके से हंसल मेहता ने शेयर बाजार में करप्शन किया था, उसी तरीके से अब्दुल करीम तेलगी ने ये स्टैम्प पेपर का घोटाला किया था। और उस टाइम का जितना भी वन ऑफ द मतलब कि क्या बताऊं, इतने बड़े घोटाला को आज तक कभी अंजाम नहीं दिया गया था। मतलब कि अभी तक हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अभी तक पता ही नहीं लगा पाई कि वो घोटाला कितना बड़ा था या फिर उस घोटाले में कितने लोग इन्वॉल्व थे। मतलब कि काफी हाई क्लास के लोग इन्वॉल्व थे, मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। मतलब कि ये सबकी मिली भगत थी। और इतना बड़ा घोटाला हुआ था कि आरबीआई ने मजबूरी में ही सही, लेकिन उसने बोला था कि तेलगी के द्वारा जितने भी स्टाम्प पेपर बेचे गए हैं, मतलब कि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये जो घोटाला था स्टाम्प पेपर से रिलेटेड था। और स्टाम्प पेपर से रिलेटेड घोटाला का क्या मतलब हो सकता है, स्टाम्प पेपर से रिलेटेड घोटाला का मतलब हो सकता है कि गलत, मतलब कि डुप्लीकेट इलीगल स्टाम्प पेपर को उसने क्या किया था, मार्केट में बेच दिया था। ये इतने लोगों तक पहुंच गई थी, स्टाम्प पेपर इतने लोगों तक पहुंच गया था कि आरबीआई ने मजबूरी में ही सही, उसने कहा कि जिन लोगों ने स्टाम्प पेपर को खरीद लिया है वो सारे के सारे स्टाम्प पेपर वैलिड माने जाएंगे, इतना उसका रीच था। अब आइए समझते हैं सबसे पहले कि स्टाम्प पेपर होता क्या है। तो पहले हम स्टाम्प पेपर को समझ लेते हैं। स्टाम्प पेपर, एक स्टाम्प पेपर का आपके सामने एक तस्वीर है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टाम्प पेपर 1 रुपये से लेके 1000 रुपीज तक का होता है। मतलब कि जितने भी तरीके के न्यायिक काम या फिर जितने भी तरीके के बॉन्ड वाले काम जो कि आप बाद में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे, स्टाम्प पेपर पे ही लिखे जाते हैं। मतलब ये कि जब हम मजाक मजाक में बोलते हैं ना कि हम तुमको स्टाम्प पेपर पे लिख के ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ये काम करेंगे या फिर हम ये फलाना काम नहीं करेंगे, मतलब ये कि स्टाम्प पेपर पे अगर आपने एक बार कोई चीजें लिख दी तो मतलब कि आप उससे पलट नहीं सकते, मतलब कि आप उससे अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो जब भी जमीन की रजिस्ट्री होती है, जब भी मकान खरीदे जाते हैं, जब भी आप कोई ऐसा जुडिशियल काम करते हैं, न्यायिक काम करते हैं, सारे जगहों पे आपको हलफनामा जब देते हैं या फिर जब आप बॉन्ड भरते हैं तो स्टाम्प पेपर पे ही भरते हैं। मतलब ये कि अगर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अगर आप कुछ लिख कर दे रहे हैं तो पहले आप इसको जाके मार्केट से खरीदेंगे। जनरली 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मार्केट में 120 या फिर 130 रुपीज से मिलता है। मतलब ये 30 और 20 रुपीज जो होता है वो उस दुकानदार का कमीशन होता है, बाकी का 100 रुपीज गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जिसको कि हम स्टाम्प ड्यूटी भी बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं किसी काम के बदले में। तो इसी स्टाम्प पेपर को नकली बना के उसने सब जगह भेज दिया था। इवन मैं आपको बोलूंगा कि स्टाम्प पेपर ऐसी चीज है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो वहां पे स्टाम्प पेपर पे ही कोर्ट मैरिज करते हैं। ऐसी एक बहुत ही फनी बात है कि उस दौरान, मतलब कि 1994 से लेकर 2001 जब तक घोटाला पकड़ा नहीं गया, जब तक ये स्कैम सामने नहीं आया, उस वक्त की सारी जो शादियां थी, जो कोर्ट मैरिजेस थे, सब इनवैलिड हो जाते हैं। कैसे, ऐसे इसलिए क्योंकि अगर स्टाम्प पेपर ही इलीगल है तो शादी भी इलीगल हो गई। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतने लोगों तक रीच पहुंच चुका था उस स्टाम्प पेपर की। अब वापस आते हैं इस तेलगी के बारे में, जानते हैं कि आखिर तेलगी ने घोटाला कैसे किया,
तेलगी की जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, तेलगी के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्टर है जिन्होंने तेलगी का रोल प्ले किया है और देखते हैं जिस प्रकार से प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का रोल प्ले किया था, उसी प्रकार से ये जो एक्टर है ये भी ऐसी एक्टिंग करेंगे जिससे कि हर घर में, हर जितने भी टेलीविजन या फिर जितने भी मोबाइल लैपटॉप में लोग इस वेब सीरीज को देखेंगे उस घर में तेलगी की पहचान बन जाएंगे। खैर, अब आते हैं तेलगी की कहानी पे। तेलगी का जन्म कर्नाटक बेंगलुरु के किसी एक जगह पे होता है। उसके पिताजी रेलवे में एक फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी थे और वो 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पिताजी का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो जाता है। चूंकि सबसे बड़ा होने की वजह से घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेलगी के ऊपर आ जाती है। उसने रेलवे स्टेशन पे फल बेचने का काम शुरू करता, मतलब कि उसकी जो शुरुआती जिंदगी का जो कैरियर जो शुरू होता है वो कहाँ होता है, एक रेलवे स्टेशन पे फल बेचने से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन उसके बाद उन दिनों देखा जा रहा था कि साउथ इंडिया में, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर नॉर्थ इंडिया में भी कई जगहों पे लोग क्या करते थे, अरब कंट्री में जाते थे जॉब करने। वो चला जाता है अरब कंट्री में जॉब करने, फिर वहां भी उसका मन नहीं लगता, फिर वो वापस आ जाता है। फिर वो क्या करता है कि लोगों को पासपोर्ट, मतलब कि इलीगल पासपोर्ट बना के विदेश भेजने का काम करता है, और कई लोगों को तो उसने नकली वीजा भी थमा दिया, इतना बड़ा फ्रॉड था वो। नकली वीजा थमा कर वो क्या करता था, लोगों को भेजता था विदेश। ऐसे सिचुएशन में एक बार वो पकड़ा गया और जेल चला गया। जेल जाने से दो चीजें होती है, या तो इंसान सुधर जाता है या फिर उसको वहां पे उससे भी बड़े क्रिमिनल से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो वहां भी मतलब कि और ग्रूम कर जाता है एज अ क्रिमिनल। वहां वो जाता है, उसकी मुलाकात होती है रतन सोनी नाम के एक पर्सन से जो कि ऑलरेडी स्टंप में स्टंप घोटाला, स्टंप जैसी नकली स्टंप बनाने का काम करता था। वहां से उसको बताता है कि देखो उस टाइम तक हर्षद मेहता वाला स्कैम हो चुका होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची होती है। वैसे सिचुएशन में रतन सोनी उसको एडवाइस करता है कि मिलकर हम लोग क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर बेचेंगे, नकली स्टाम्प पेपर कम दामों में बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे ही। अब बात यह थी कि नकली स्टाम्प पेपर बनाए कैसे, क्योंकि स्टाम्प पेपर बनाने के लिए जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, स्टाम्प पेपर को बनाने के लिए आपको चाहिए ऐसा कुछ प्रिंटिंग मशीन, इंक या फिर पेपर, क्योंकि ये सारे डिफरेंट मतलब ऐसा होता है, यूनिक होता है, काफी ज्यादा यूनिक होता है, मतलब पकड़ में आ जाता है बहुत ही जल्दी। इन दोनों ने प्लान बनाया कि नासिक में एक जगह है जहां पे प्रिंटिंग मशीन जो कि स्टाम्प पेपर को प्रिंट करने के काम आती है, वहां पे उन पुराने मशीनों की नीलामी होती है और ये लोग पहुंच जाते हैं नासिक और वहां से खरीदते हैं प्रिंटिंग प्रेस को जो कि स्टाम्प पेपर को प्रिंट करने में काम आता था। उन प्रिंटिंग मशीन्स को खरीद कर ये लोग क्या करते हैं, नकली स्टाम्प पेपर को प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनसे मिलकर ये क्या करता है, तेलगी और उसका जो दोस्त होता है रतन सोनी, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जिससे उसकी जेल में मुलाकात हुई थी, ये दोनों मिलकर वहां के कर्मचारियों से इंक और पेपर स्मगल कराना शुरू कर देता है और उसके साथ प्रिंट करना शुरू कर देता है। होता क्या है कि वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर को बहुत ही कम दामों में बेचना शुरू कर देता है और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर को बेचना शुरू कर देता है 20 रुपीज और 30 रुपीज, यहां तक कि 50 रुपीज तक। तो जो जिन लोगों को स्टाम्प पेपर की जरूरत होती थी उन लोगों को ये लगता था कि इस पर्सन के पास बहुत सारे स्टाम्प पेपर पड़े हुए हैं इसलिए डिस्काउंट में बेच रहा है, और उन लोगों का भी काम निकल जाता था। जितने ही बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि इससे अपना स्टाम्प पेपर खरीदना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे इसने स्टाम्प पेपर बेचना शुरू किया वैसे वैसे इसका स्टाम्प पेपर बेचने का या फिर इलीगल स्टाम्प पेपर के बिजनेस का इसका एम्पायर बढ़ता चला गया और एक लेवल पे आके ऐसा एक एस्टिमेट है कि 18 स्टेट में इसके स्टाम्प पेपर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ साथ करीब करीब
200 शहरों में इसके स्टाम्प पेपर पहुंच जाते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, इसी बीच में आपको एक और बात बता दूं कि करीब करीब 500 MBAs को, जो MBAs स्टूडेंट होते थे, उनको इस काम में रखता था कि तुम अलग अलग बिजनेसमैन के पास जाओ, क्योंकि हर बिजनेसमैन को हलफनामा तो भरना ही है, हर बिजनेसमैन को लीगल काम तो होता ही है, जो कि उनको जुडिशरी से काम होता होगा। तो सारे लीगल काम में ये अपना स्टाम्प पेपर लोगों के पास पहुंचाता था। इन सब की शुरुआत हुई, ये आउटब्रेक हुआ, ये घटना सामने आई सन 2000 में, जब बेंगलुरु पुलिस को एक नकली स्टाम्प पेपर को बेचने वाले एक पर्सन का पता चला और बेंगलुरु पुलिस को फेक स्टाम्प पेपर के बारे में जब नॉलेज मिली, तो धीरे धीरे करके एक एक करते 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 एक तार से दूसरे तार को जोड़ते फाइनली बेंगलुरु पुलिस को पता चला कि इन सब का जो सबसे बड़ा सरगना है, इन सब का जो सबसे बड़ा मुखिया है, वो है अब्दुल करीम तेलगी। अब अब्दुल करीम तेलगी का नाम आते ही लोगों पुलिस ने उसकी जो ढूंढ रहा उसका जो सर्च वारंट है वो जारी कर दिया। पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी अजमेर में गया है, मतलब कि वहां पे चादर चढ़ाने, जो वहां पे दरगाह है वहां पे चादर चढ़ाने जाने वाला है। पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी और उसे अरेस्ट कर लिया गया बेंगलुरु पुलिस के द्वारा। स्टार्टिंग में लगा कि नॉर्मल सा कोई स्कैम होगा, लेकिन जब परत दर परत चीजें खुलने लगी और बातें सामने आने लगी, तो पता चला कि ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया होगा। और स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको एक दिखाया है, उस वक्त का कोई न्यूज़पेपर का एक कटिंग है जिसमें की हेडलाइन है इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, मतलब कि इंडिया का अब तक का सबसे बिगेस्ट स्कैम है। और उस समय उन्होंने अनुमान लगाया था कि 5000 करोड़ का स्कैम हो सकता है। लेकिन आगे चलकर जांच एजेंसियों को पता चला, क्योंकि आगे एसआईटी का भी गठन हुआ था, मैं बताता हूं आपको, 32,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक और रिपोर्ट आई जिसमें कि कहा गया कि घोटाला करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। मतलब कि आप साइज देख लीजिए इस घोटाले का, इस स्कैम का। तो जैसे पुलिस को पता चला कि यह तो कोई छोटा मोटा क्राइम है ही नहीं, मतलब कि यह स्कैम छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही लार्ज स्केल पे किया गया है, तो 1994 में एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, जिनके पास महारत हासिल होती है कि इन चीजों को कैसे डील किया जाए। जब एसआईटी बनती है 1994 में, तो इसके साथ ही शुरू होता है जांच का वो सिलसिला जहां से बहुत सारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट होता है। नार्को के बारे में आपको पता होगा कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि अगर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई तो हम ये समझेंगे कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके एंसर के अकॉर्डिंग लोग जज करते हैं कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। लेकिन नार्को टेस्ट कराना इतना भी आसान नहीं, इसके लिए सबसे पहले कोर्ट से परमिशन लेना होता है। तो जब नार्को टेस्ट की बात आई, तो नार्को टेस्ट में यह बात निकलकर सामने आती है कि उसने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम लिया, और ज्यादातर पॉलिटिशियन कौन से स्टेट के थे, महाराष्ट्र के थे, और इवन बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर का नाम लिया इसने, उसके साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम लिया। मतलब कि ये पर्सन इतना सातिर था, इसने पूरी की पूरी सरकार को अपने जेब के में लेकर घूम रहा था। उसके बाद 2006 में अदालत का फैसला आता है 2006 में, और इसको सजा दी जाती है। इसको बोला जाता है कि आपके ऊपर 202 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है। मतलब ये कि आप समझिए कि इसका क्राइम कितना विभत्स होगा कि इसके ऊपर 202 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है कोर्ट के द्वारा। और 30 साल की सजा सुनाई जाती है, मतलब कि आपको 30 इयर्स जेल में रहने हैं, 30 इयर्स, और आपको फाइन कितना देना है, 202
मैं फिर से बोल रहा हूँ, 202 करोड़ रुपए, मतलब कि इतना ह्यूज अमाउंट का फाइन इस पे लगाया जाता है अदालत के द्वारा। हालांकि बाद में इसकी सजा को कम कर दिया जाता है और 30 ईयर से डिक्रीज करके इसको कर दिया जाता है 13 ईयर्स, मतलब कि 30 से सीधा 13। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस इसका हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं था, बाद में तक खैर इसकी डेथ भी हो जाती है मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की वजह से। आई थिंक 2007 में इसकी डेथ हो जाती है मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की वजह से। अब आपको एक चीज समझना चाहिए कि इसकी स्टोरी और हर्षद मेहता की स्टोरी में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज थी। अब आइए बात करते हैं उन सिमिलरिटीज की जो कि तेलगी और हर्षद मेहता की स्टोरी में आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक कुछ समानताएं हैं जो आपको समझना होगा। पहली अगर समानता की बात करें तो पहली जो समानता थी इन दोनों के बीच वो क्या थी कि दोनों बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, मतलब कि इन दोनों ने बचपन बहुत ही मुश्किलों में काटा था, बहुत ही गरीबी से निकल कर ये सामने आए थे। दूसरी बात, इनका माइंड काफी शार्प था, बहुत ही शार्प माइंड के लोग थे ये दोनों, और इन्होंने मतलब कि पूरा के पूरा सिस्टम को जो भी लॉज में, खैर हर्षद मेहता ने तो जो नियम और कानून के जो लूपहोल्स थे उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढी और उन लूपहोल्स के बीच से वो अपने लिए जो भी था वो कर पाया। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने सीधे सीधे सिस्टम का जो वीक पॉइंट है उस पे हमला किया और स्टाम्प पेपर का पे नकली स्टाम्प पेपर बनाना, मतलब कि आप सीधे सीधे स्टेट के अगेंस्ट फाइनेंशियल बैटल स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं कि जिस प्रकार से हर्षद मेहता ने अपने पैकेट के अंदर में सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स इनको रखा था, उसी प्रकार से अब्दुल करीम तेलगी ने भी इन्हीं लोगों के ऊपर अपना सिकंजा कसा और इसके साथ ही साथ अपना एम्पायर खड़ा किया। इसके साथ ही लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन दोनों का जो अंत होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही बुरा होता है। मतलब है कि हर्षद मेहता की जो अंतिम जिंदगी थी वो बहुत ही तंगहाली में गुजरी, बहुत ही गरीबी में गुजरी, जबकि वो बहुत बड़े एम्पायर का मालिक होता था। वही हाल तेलगी के साथ भी हुआ, मतलब ये कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आगे अगर आप इन चीजों को अगर आप समझे तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में या फिर आपके आने वाले इंटरव्यूज में, क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइनअप हैं, इन सारे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आखिर स्टाम्प घोटाला क्या था, स्टाम्प घोटाला में कैसे घोटाले करे गए थे, स्टाम्प घोटाला में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, आखिर फाइनली हुआ क्या। हो सकता है कि इसको केस स्टडी के रूप में भी आपके सामने पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जाना अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।